तो राजस्थान यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव में एक बार फिर से निर्दलीय उम्मीदवार का डंका बजा है। अध्यक्ष पद पर चौथी बार निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर पूजा वर्मा ने जीत हासिल की है। आरयू में छात्र संघ चुनाव में यह लगातार चौथी बार है जब किसी बागी निर्दलीय उम्मीदवार ने चुनाव जीता है। पूजा वर्मा ने NSUI से बागी होकर छात्र संघ चुनाव में निर्दलीय चुनाव लड़ा था। आरयू के साथ साथ जयपुर के दूसरे कॉलेजों के भी नतीजे सामने आ चुके हैं। राजस्थान विश्वविद्यालय में फिर निर्दलीय सरकार, ABBP और NSUI को बड़ा झटका। निर्दलीय पूजा वर्मा ने मारी बाजी। राजस्थान के कैंपस में छात्र सरकार का राज कायम हो गया। राजस्थान विश्वविद्यालय में ABBP और NSUI को पटखनी देते हुए चौथी बार फिर से अध्यक्ष पद पर निर्दलीय का दबदबा देखने को मिला। राजस्थान यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष पद पर निर्दलीय पूजा वर्मा जीत दर्ज करने में कामयाब रही है। पूजा वर्मा ने 600 से ज्यादा वोटों से जीत हासिल की है। वहीं उपाध्यक्ष पद पर NSUI की प्रियंका मीना, महासचिव पद पर NSUI के महावीर ने जीत दर्ज की, जबकि ABBP को महज एक सीट संयुक्त सचिव के रूप में किरण मीना ने जीत दर्ज की है। जीत के बाद सभी उम्मीदवार छात्रों का धन्यवाद देते नहीं थक रहे हैं। आज मैंने काम भी किया, इसलिए मुझे अपना मत समर्थन देकर मेरे भाइयों ने और बहनों ने जिताया मुझे, और हम 365 दिन राजस्थान विश्वविद्यालय के आम छात्रों के लिए जैसे मैं पहले करती थी वैसे ही अब मैं रात और दिन वही वैसे ही रहूंगी जैसे पहले थी। मैं इस जीत का श्रेय पूरे NSUI पैनल को दूंगी और हमारी पूरी टीम जिसने हमारे लिए इतनी मेहनत की है उन सभी को दूंगी, और पूरे स्टूडेंट्स जिन्होंने हमें वोट किया, हमें इस मुकाम तक पहुंचाया, इस लायक समझा, उन सभी को देना चाहूंगी। जिन मुद्दों के ऊपर मैं और मेरा संगठन चुनाव लड़ रहे थे, मेरी प्राथमिकता रहेगी कि अब आज के बाद में कल से ही मैं उन मुद्दों को पूरा करने का वादा करूंगा। जिन मुद्दों को लेकर के मैं राजस्थान विश्वविद्यालय के संगठक कॉलेजों में और डिपार्टमेंट्स में गया, मैंने उनकी समस्या जानी, उन समस्याओं को हल करना मेरा प्रमुख मुद्दा रहेगा। उधर महारानी कॉलेज में आकृति तिवारी अध्यक्ष, किरण मीना महासचिव, हजारा मंसूरी उपाध्यक्ष और किरण बरगुजर ने संयुक्त सचिव पद पर जीत दर्ज की है। मैं ये जानती हूँ कि महारानी महाविद्यालय ने एक योग्य कैंडिडेट को चुना है, जो मेरा खुद का मोटिव था कि योग्य को चुने, तो अगर मुझे इतनी बड़ी जीत हासिल हुई है तो मैं जरूर उनके लिए पूरे पूरा कार्य करने का प्रयास करूँगी। ये मेरे लिए सच्ची ऐतिहासिक जीत है, ये मेरे लिए बहुत बहुत ज्यादा मायने रखती है कि कॉलेज की छात्राओं ने मेरे पे पूरा विश्वास किया, मुझे इस लायक समझा कि मैं उनका नेतृत्व कर सकूं, उनकी उम्मीदें पूरी कर सकूं, तो इसके लिए उनका तहे दिल से धन्यवाद। मेरे कॉलेज की छात्राओं को दिल से धन्यवाद। उधर महाराजा कॉलेज में राहुल अध्यक्ष, मनीष उपाध्यक्ष, तनवीर महासचिव और मनोज को संयुक्त सचिव चुना गया है। जो भी मैंने वादे किए हैं, जो मेरी टीम ने वादे किए हैं, जो स्टूडेंट्स हैं उनकी समस्या को लेकर हर छोटे से छोटे मुद्दे पे बात करेंगे, और चाहे मुद्दा बड़ा हो छोटा हो, उन सब मुद्दों का अपन पूरा करने की कोशिश करेंगे। मैं मेरा 100% दूंगा काम के लिए। सबसे पहले तो मैं मेरी टीम और मेरे पेरेंट्स को धन्यवाद कहना चाहूँगा जिन्होंने मेरे को इस तरफ भेजा, इस लेन में भेजा, और उन्होंने मेरा सहयोग करा। और बाकी मैं महाराजा में अपना पूरा 100% देने की कोशिश करूँगा, एक एक एक्टिविटीज़ में पूरा शामिल होने की कोशिश करूँगा, और महाराजा का नाम हर तरफ लेके जाऊँगा जिससे रैंक में सुधार हो महाराजा की। जो वादे किए उनको निभाएंगे, उसके अलावा अपना 100% देने की कोशिश करेंगे, और जितनी हो सकेगी छात्र संघ जहाँ तक कम्प्लीट कर सकता है उससे भी अपना 200% देने की कोशिश करेंगे, और चारों पदाधिकारी एकदम सही साथ काम करेंगे, ये हमारा वादा है पूरे विश्वविद्यालय और महाराजा महाविद्यालय से। हमारी कॉलेज वैसे भी मतलब टॉप 10 के अंदर, फिर भी उसको ज़्यादा टॉप 10 के अंदर लाने की कोशिश करूँगा, और मैं मतलब पैनल के उच्च पदाधिकारियों को कॉलेज के बच्चों की वो समस्या है ना, उनको पहुँचाने की कोशिश करूँगा। जयपुर के कॉमर्स कॉलेज में पहली बार अध्यक्ष पद पर ST प्रत्याशी गुलशन कुमार मीना ने जीत दर्ज की है। उपाध्यक्ष पद पर आलोक शर्मा, महासचिव पद के लिए धीरज गोडीवाल और संयुक्त सचिव के लिए विशाल सिंह जादौन जीते हैं। जयपुर के लॉ कॉलेज में मॉर्निंग शिफ्ट में अध्यक्ष पद पर राजेंद्र गोरा और इवनिंग शिफ्ट में शुभम चौधरी विजयी रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, जयपुर।